न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा ने दिया जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी महासंघ की कलम छोड़ो हड़ताल को समर्थन। जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल ने बताया कि महासंघ के कर्मचारियों में पंचायती राज के कर्मचारी भी आते हैं और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए इनका हमेशा सहयोग रहता है, इसीलिए अपने इन कर्मचारियों की इस हड़ताल का हम खुले दिल से समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। जिला परिषद कैडर कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ की कलम छोड़ो हड़ताल के समर्थन हेतु आज हम लोग यहां पर इनके साथ आए हैं। आज इनका 7वां दिन है कलम छोड़ो हड़ताल का। जैसा कि सभी कर्मचारी साथी जानते हैं कि पंचायती राज जो है और जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, ये पिछले काफ़ी समय से न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। जब जब न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने इनका आह्वान किया है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त करने की बात हो, चाहे वो सदस्यता अभियान की बारी हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, रैलियों की बात हो, बैठकों की बात हो, उन सभी जगह पर पंचायती राज के जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो टेक्निकल विंग से हैं, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हैं, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हैं, उन सभी कर्मचारी साथियों ने हमारा न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, समर्थन दिया, हर जगह ये हमारे साथ खुलकर सामने आए हैं। आज जब इनको आवश्यकता है, जब ये अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कलम छोड़ो अभियान के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने हेडक्वार्टर्स पे बैठकर कलम छोड़ो अभियान को चला रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो आज न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष होने के नाते और अपनी समस्त कार्यकारिणी की ओर से, चाहे वो जिला की कार्यकारिणी है, चाहे वो खंड की कार्यकारिणियाँ हैं, उन सभी की ओर से हम इनके इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हैं। हमारे राज्य अध्यक्ष जी ने भी इनके इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया है और उसी कड़ी में हम लोग भी जिला में इनके साथ समर्थन में आगे आए हैं। मेरा अपनी खंड कार्यकारिणी से भी निवेदन रहेगा कि जिला चंबा में जहां पर भी भरमौर गहरा, भरमौर में, महला में, भटियात में, चुरा में, जहां पर भी ये कार्यकारिणियाँ इनकी बैठी हैं, वहां पर इनका समर्थन करें, इनका सहयोग करें और तन मन धन से जहां भी इनको आवश्यकता रहती है, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगा। जिस तरह से ये आंदोलन अपना आगे ले जाना चाहेंगे, जिस तरह का सहयोग इनको न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का चाहिए होगा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इस हक की लड़ाई में कोई भी कर्मचारी वर्ग जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी के संघ के अंतर्गत ये सभी कर्मचारी आते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। जब ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आते हैं, तो आज हमारी बारी है कि हम इनकी इस जेन्युइन डिमांड की विभाग में भी लय की जो ये मांग है, मैं आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से अपील करूंगा कि महोदय, इनकी जो ये लंबित मांग है, इसको आप जल्द से जल्द पूर्ण करें और इनको जो है वो विभाग में विलय का जो तोहफा है वो शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें।